बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है इस क्वेश्चन में, बहुत सारे बच्चों को। एक्चुअली क्या है, दो क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ और अगर आपने लैंग्वेज से मीनिंग निकालना सीख लिया है, इंफॉर्मेशन लेना सीख लिया है, तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है, चाहे वो ज्योमेट्री हो, चाहे अर्थमेटिक हो, एल्जेब्रा हो, व्हाटएवर। अगर आपने अपनी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया है, देखो एक क्वेश्चन तो यह है, क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 6.3, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। और एक बेटे क्वेश्चन ये है, सारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान से, एक क्वेश्चन ये बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14, कैसे एग्जामिनर घुमाता है, कैसे मैथमेटिशियन घुमाता है, वो इन दोनों क्वेश्चन से पता चलता है। मैंने आमने सामने लिखा है, जरा ध्यान से देखते जाइए सब बच्चे, प्लीज सब बच्चे, साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल। नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। साइड्स ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, क्या दोनों में सेम लिखा हुआ है यहां तक? यस सर, नो सर, क्यों, क्या अलग है? सर बी सर सी की जगह साइड ए साइड सी। अलग है, साइड साइड अलग है। हाँ वेरी गुड, चलो ये आपने बात पकड़ ली, आगे बढ़ो। रेस्पेक्टिवली प्रपोर्शनल टू द साइड्स, रेस्पेक्टिवली प्रपोर्शनल टू द साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल, पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर। सर पी आर एंड क्यू आर। यहां भी चेंज हो गया, यस सर। यस, लेकिन नीचे देखो क्या दोनों में सेम है? शो यस दैट, सर। शो दैट, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। प्रॉब्लम तो आपने पकड़ ली, माशाल्लाह, मुबारक हो। आप सॉल्यूशन देखेंगे, मैं पहले एक बार दोनों की फिगर बना रहा हूं, फिर क्वेश्चंस को दोनों को अलग अलग सॉल्व करूंगा, क्योंकि सॉल्यूशंस दोनों के अलग अलग हैं। लेकिन एक बार प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हुआ क्या है, प्रॉब्लम कहाँ है। आइए बेटे, हमने आपसे कहा जब इसमें फिगर हमें गिवन नहीं है, तो अच्छा ये होता है आप सब बच्चों को जो शो करना है उसके अकॉर्डिंग फिगर बनानी सीखो। क्या शो करना है, सिमिलर किसको सिमिलर करना है, किसको सिमिलर करना है? ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर। तो बस उसी के हिसाब से ट्रायंगल बनाओ, मतलब ए बी सी आपको हेल्प करेगा, उसी के अकॉर्डिंग उसी की तरह से रखा करो, ए को टॉप में, बी सी को बेस में, तो पी को टॉप में, क्यू आर को बेस में, तो आपको हेल्प करेगा बेटे। सर पहले कौन सा वाला करा रहे हैं आप? मैं अभी कोई सा नहीं करा रहा हूँ, मैं दोनों बता रहा हूँ, अभी हम सिर्फ प्रॉब्लम को देख रहे हैं क्या है। ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, ये सिमिलर करना है। अब आओ क्वेश्चन पे, पहले वाले में क्या कह रहा है ध्यान से देख लीजिए, साइड ए बी साइड बी सी मीडियन ए डी, सब बच्चे प्लीज ध्यान से, मीडियन ए डी आर रेस्पेक्टिवली प्रपोर्शनल, दीज थ्री साइड्स आर इन सेम रेशो, प्रपोर्शनल मीन सेम रेशो विद पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम। क्वेश्चन नंबर 12, मैं सिर्फ प्रॉब्लम बता रहा हूं भी आपको। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर, रेस्पेक्टिवली की बात करी थी उसने, ए डी अपॉन पी एम, फर्स्ट थ्री टू साइड एंड मीडियन प्रपोर्शनल टू लास्ट थ्री टू साइड एंड मीडियन आर प्रपोर्शनल, तो ए बी का रेशो रेस्पेक्टिवली प्रपोर्शनल, ध्यान रखना, तो जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में प्रपोर्शनल ले रहे हैं,
ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर ए डी पी एम दे आर प्रोपोर्शनल रेशियो आर सेम टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर. सब बच्चे बताओ बात समझ में आई नहीं आई. क्वेश्चन समझ में आया. सॉल्यूशन तो बाद में सोचेंगे. क्वेश्चन समझ. हाँ भाई सबको समझ में आ गया. जी सर आ गया. सबको क्वेश्चन प्रॉब्लम समझ में आ गई. प्रॉब्लम 12 क्या है. जी सर. यस सर. तीन साइड मतलब तीन क्या टू साइड्स एंड मीडियन का रेशो दिया हुआ है. ठीक है टू साइड्स एंड मीडियन का रेशो दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि ट्राइंगल्स को सिमिलर करो. सही है. कौन कौन नालायक है क्लास में जरा देखूं. आकिफ अदनान अदनान तो नए हैं हमारे. अरूब हंजला इकरा मर्जिया साहिल मुनीब रवि रूही सलमान आ गए. संगे मित्रा शादा तो मैं तो शुरू से ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. शफी सोनू आज माशाल्लाह नए बच्चे हैं. सोएब सुहेब और एक नूर नवाज है. कौन है नालायक. शहबाज भी है. अच्छा ठीक है चलो. हाँ भाई सबको प्रॉब्लम समझ में आ गई. अब जरा ध्यान से देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये वाला. सब बच्चे ध्यान से देखो बेटे. अगर मैं ये हटा दूं एडी एडी हटा दूं. सब बच्चे ध्यान से देखो. और मैं गिवन में से भी हटा रहा हूं एडी तो कोई बच्चा मुझे बताएगा क्या दिया हुआ है. अब क्या बचा. सर दो साइड्स प्रोपोर्शनल है. दो साइड्स ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर. ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर. और करना क्या है. मुझे करना यह है कि ट्राइंगल सिमिलर हो जाएं किसी तरीके से. कोई बच्चा मुझे बताएगा प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है सिमिलर करने की. सर साइड एंगल साइड की भी होती है. अगर हम बीच वाला एंगल सिमिलर कर दें तो. वेरी गुड वेरी गुड. दो साइड का रेशो. दो साइड का रेशो इक्वल दिया हुआ है. अगर किसी तरीके से ये बीच वाला एंगल इक्वल हो जाए तो क्या ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे. हाँ भाई सब बच्चे बताओ. जी सर. कौन सी प्रॉपर्टी से. साइड एंगल. वेरी गुड. अब दोबारा से आओ. हमारे पास क्या दिया हुआ है. इस क्वेश्चन को ऐसे ही पहले रफली खत्म कर लेते हैं फिर इसके स्टेटमेंट बाद में लिखे. हमारे पास क्या दिया हुआ है. ए डी अपॉन पी एम. जरा ध्यान से देख लेना सब बच्चे प्लीज. मैं थोड़ी देर के लिए इसको गायब कर रहा हूं. इसको भी गायब कर रहा हूं. और मैं आपसे कह रहा हूं कि सर ये है मेरे पास ए डी और ये है मेरे पास पी एम. सब बच्चे ध्यान से देखते जाओ प्लीज. जरा क्या ये तीनों साइड्स का रेशो सेम है. यस सर. ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर ए डी अपॉन पी एम. अब यहाँ पे एक चीज आ गई जो हमने नहीं लिखी उसको लिख लेते हैं. हमने क्या नहीं लिखा था क्योंकि उसको यूज करना है. हमने ये नहीं लिखा था कि ए डी एंड पी एम आर मीडियंस. ए डी एंड पी एम आर मीडियंस. ठीक है सर. मीडियंस का क्या मतलब है. डी हमारा क्या होगा. मिड पॉइंट. और एम हमारा क्या होगा. मिड पॉइंट. अब सब बच्चे देखो जरा ध्यान से. बी सी बाई क्यू आर का रेशो कुछ भी हो. मान लो मैं कह दूं 20/10 तो कोई बच्चा मुझे बताएगा 20 का हाफ क्या होता है. सर 10. 10 का हाफ क्या होता है. 5. तो ध्यान से देख लीजिए जो रेशो 20/10 का होगा वही रेशो उनके हाफ का होगा. भाई 20/10 का एक्चुअल रेशो क्या है. 2/1. और 10/5 का एक्चुअल रेशो क्या है. 1/5. That's it. तो जो रेशो है अगर उसका आप हाफ कर दोगे सेम नंबर से डिवाइड करो रेशो सेम रहेगा. अगर रेशो सेम रहेगा चलो से बाद में सोचेंगे क्या आएगा. तो क्या आप ये सोच सकते हो कि भाई ए बी का रेशो पी क्यू के साथ ए डी का रेशो बी एम के पी एम के साथ और बी डी का रेशो किसका रेशो बी डी क्यू एम के साथ होगा. तो अगर तीनों साइड का रेशो होगा तो क्या आप ये सोच सकते हो कि छोटे वाले ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे. यस सर सिमिलर हो जाएंगे. तो एंगल इक्वल हो जाएगा और फिर प्रूव हो जाएगा. और अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो क्या एंगल बी क्यू के इक्वल हो जाएंगे. यस सर. हाँ भाई छोटे ट्राइंगल सिमिलर तो एंगल इक्वल. और अगर एंगल इक्वल तो क्या हम फिर इस एंगल को बड़े वाले ट्राइंगल में यूज कर लेंगे.
यस सर कर लेंगे फिर प्रूव हो जाएगा। जब कर लेंगे तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा सर। सबको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ हो क्या रहा है? यस सर। यस सर। तो पहली चीज तो ये थी, अभी करेंगे इसको। दूसरे वाले में प्रॉब्लम क्या है? दूसरे वाले में प्रॉब्लम ये है बेटे कि हमारे पास दिया तो यही है, अभी भी ए बी ए सी के साथ दिया हुआ है। इस बार ए बी और ए सी के साथ दिया हुआ है। सब बच्चे ध्यान से सॉल्यूशन तो कर ही लेंगे कहीं ना कहीं से, क्वेश्चन को समझना शुरू करो क्योंकि दोनों लैंग्वेज सेम होती है ऑलमोस्ट, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। अब इस बार कह रहा है कि ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी एंड पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम आर प्रोपोर्शनल। ये थोड़ा सा अपने आप में अलग सा है। ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, ए सी का रेशियो पी आर के साथ और ए डी का रेशियो पी एम के साथ इक्वल दिया हुआ है। गिवन ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, ए डी अपॉन पी एम। अगेन ये तो मैं लिखी दूं, ए डी पी एम आर मीडियंस शो करना है वही ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। अभी भी आप सब बच्चे देख लीजिए प्लीज, बाद में करेंगे इस क्वेश्चन को, तो कि यहां पे भी दो साइड का रेशियो इक्वल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दो साइड का रेशियो इक्वल। तो कौन सा एंगल इक्वल करना पड़ेगा? एंगल ए एंड पी। एंगल ए एंड पी। अगर एंगल इक्वल हो गया तो ट्राइंगल सिमिलर। सबको समझ में आया क्या कुछ? यस सर। चलो जी अब 12 कर लेते हैं फिर 14 देखेंगे बाद में। आओ शाबाश। ओह हो भाई। तो बेटे आप सब बच्चे क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश किया करो, मैथ्स तो अपने आप इजी हो जाए। मैथ्स क्या फिर कोई भी सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या प्रॉब्लम भी, प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना शुरू करो, चाहे फैमिली की प्रॉब्लम क्यों ना हो, लाइफ की प्रॉब्लम क्यों ना हो, सबसे पहले क्या प्रॉब्लम है, किसकी वजह से है, क्यों है, तब उसका सॉल्यूशन निकलेगा। चलो आओ जी देखो। अगेन करना तो वही है, आधे से ज्यादा हम समझ चुके हैं। ये हमारे पास बेटे ट्राइंगल एबीसी है, एबीसी जैसे नाम लिखा हुआ है, मैं वही कह रहा हूं पी क्यू आर के सिमिलर करना है। ठीक है गिवन इधर ही लिख लेता हूं मैं, ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, बी सी रेशियो क्यू आर के साथ एंड ए डी रेशियो पी एम के साथ गिवन है। ए डी अपॉन पी एम इज गिवन एंड ए डी एंड पी एम आर मीडियंस गिवन है। प्रूफ करा रहा है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमसे प्रूफ करा है। ठीक है सर, ये हमसे प्रूफ करा है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। प्लीज जो गिवन है मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, सब बच्चे ध्यान से बहुत सिंपल लैंग्वेज में। ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए डी अपॉन पी एम इज गिवन, यस और नो? हाँ भाई साइड्स का और मीडियन का रेशो दिया हुआ है, ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर ए डी एंड पी एम रेशोज आर इक्वल। ठीक है ये बात, आपको मीडियन बी सी का दिया हुआ है और क्यू आर का, जरा सब बच्चे प्लीज ध्यान से देख लीजिए। अब मैं लिख रहा हूं ए बी अपॉन पी क्यू, मैं लिख रहा हूं बी सी बाई टू एंड क्यू आर बाई टू,
अगर ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यस और नो? रेशो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करिए, सेम नंबर से डिवाइड करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीसी बाई टू क्या हो जाएगा, कोई बताएगा? बीसी का हाफ क्या होगा बेटे? आप बीसी को टू बी डी भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने टू से डिवाइड किया है, तो बीसी बाई टू इज बी डी और क्यू आर बाई टू इज क्यू एम। यस सर नो? यस सर। इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब आप यहां देख लो जरा ध्यान से, एक बच्चे ने बोला बी सी इज इक्वल टू टू बी डी, सब बच्चे ध्यान से देख लो, अच्छी बात है। आप यहां ये भी लिख सकते थे बी सी इज इक्वल टू टू बी डी एंड क्यू आर इज इक्वल टू टू क्यू एम। ध्यान से देख लीजिए, जहां हमारे पास बी सी आया था मैंने डिवाइड किया है, आप सब बच्चे ऐसे भी लिख सकते थे कि बी सी की जगह आप टू बी डी लिख देते और क्यू आर की जगह आप टू क्यू एम लिख देते और फिर आप क्या करते, टू से टू कैंसिल कर देते, तो आना यही था। क्या आना था? सबको समझ में आया नहीं आया जो हमने किया? टू से डिवाइड कर दो तब भी वही बात है, उसे डबल करके लिख दो तब भी वही बात है, ठीक है? टू मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मिड पॉइंट है, तो मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, आपकी मर्जी। तो ये मैंने किया बी सी बाई टू एंड ये मैंने किया क्यू आर बाई टू, ठीक है? उसकी जगह मैंने लिख दिया बी डी एंड क्यू एम। क्यों लिखा, उसका रीजन दे दीजिए। क्या रीजन दे दीजिए? डी एंड एम आर मिड पॉइंट्स। रीजन जरूर दिया कीजिए प्लीज, मिड पॉइंट्स गिवन। अब जरा सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, हुआ क्या हमारे पास, मार्क करना शुरू करिए। हमारे पास आ गया ए बी अपॉन पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू कौन है भाई? बी डी अपॉन क्यू एम, तो बी डी अपॉन क्यू एम कौन है भाई? ए डी अपॉन पी एम, तो ए डी अपॉन पी एम कौन है भाई? क्या तीनों साइड्स का रेशो सेम आ गया? जी सर। अगर तीनों साइड्स का रेशो सेम आ गया तो क्या मैं ट्राइंगल को सिमिलर लिख दूं? यस सर। तो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम बाई साइड 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 प्रॉपर्टी, यस और नो? यस सर। इफ ट्राइंगल इफ साइड्स आर प्रोपोर्शनल ट्राइंगल आर सिमिलर, ठीक है? अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या मैं ये लिख दूं एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैं ये लिख दूं एंगल वन इज इक्वल टू टू, ठीक है? ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास क्या हो गया, ये हमने लिख लिया, सपोज करो हमने ऊपर तो कोई नहीं लिखा वन, हमारे पास ये है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये हमारे पास गिवन है, इसको हमने लिख दिया टू। तो अब बताओ बच्चों, सारे के सारे एंगल इक्वल हैं, साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, तो बड़े वाले ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? हाँ भाई, नहीं समझ में आया? सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, एंगल वन टू के इक्वल हो गया या नहीं हो गया? यस yes। अब एंगल वन टू के इक्वल हो गया बेटे, तो ये वाली साइड हटा दीजिए ना, एडी और पीएम, जो हमने पहले आपसे कहा था ए बी किसके साथ रेशो में है? पीक्यू के। और बीसी किसके साथ रेशो में है? क्यूआर। और एंगल वन किसके इक्वल है? एंगल टू। एंगल टू के, तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। सिमिलर। समझ में आया नहीं आया? सर। तो यही तो लिख रहे हैं हम बेटे, एंगल वन टू के इक्वल आ गया और ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर का रेशियो सेम है, तो आप कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, यस और नो? यस सर। यही हमें करना था और आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है जी? Yes, sir. All the best. Next class में discuss करेंगे इंशाल्लाह. Okay, sir. Thank you. Assalamualaikum, sir. Sir, 14th वाला भी करा दीजिए. ऐसे नहीं होता.